टाटा आईपीएल 2024 में केकेआर वर्सेस एमआई के बीच आज 60वां मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 और मैच डिटेल्स को जानें। केकेआर वर्सेस एमआई के बीच 11 मई 2024 को शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होंगी। पहले नंबर पर फिल साल्ट जो कि केकेआर के विकेट कीपर है वो ओपनिंग करने आएंगे। उनके साथ सुनील नारायण ओपनिंग का साथ निभाने के लिए आएंगे नंबर दो पर। नंबर तीन की बात की जाए तो अंगक्रिश रघुवंशी केकेआर के तरफ से आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। वहीं उनके बाद नंबर चार पर श्रेयस अय्यर जो कि कप्तान केकेआर के वो आएंगे बैटिंग करने। नंबर पाँच पर वेंकटेश अय्यर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं नंबर छः की बात की जाए तो रिंकू सिंह केकेआर के तरफ से आएंगे। नंबर सात की बात की जाए तो आंड्रे रसल जो कि बेस्ट ऑलराउंडर है केकेआर के वो आएंगे। नंबर आठ पर रमनदीप सिंह आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। वहीं नंबर नौ की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क जो कि केकेआर के तेज गेंदबाज है वो आएंगे। नंबर दस पर वैभव अरोड़ा आएंगे। वहीं नंबर ग्यारह की बात की जाए तो केकेआर के तरफ से वरुण चक्रवर्ती आएंगे जो कि स्पिन गेंदबाज है। वहीं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मनीष पांडे होंगे केकेआर के तरफ से। मुंबई इंडियंस की फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होंगी। पहले नंबर पर ईशान किशन जो कि एमआई के विकेट कीपर है वो ओपनिंग करने आएंगे। उनके साथ रोहित शर्मा ओपनिंग का जिम्मा निभाते हुए नजर आएंगे। नंबर तीन की बात की जाए तो नमनधीर एमआई की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। वहीं नंबर चार पर सूर्य कुमार यादव आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर पाँच की बात की जाए तो तिलक वर्मा आपको एमआई की तरफ से दिख जाएंगे बैटिंग करते हुए। वहीं नंबर छः पर निहाल वरदेरा आएंगे। नंबर सात की बात की जाए तो एमआई के कैप्टन हार्दिक पांड्या बैटिंग करने के लिए आएंगे। नंबर आठ पर टीम डेविड जो कि ऑलराउंडर है वो बैटिंग करने के लिए आएंगे। नंबर नौ की बात की जाए तो जिराल्ड क्वेटजी आएंगे जो कि तेज गेंदबाज है एमआई के। नंबर दस की बात की जाए तो पीयूष चावला होंगे जो कि स्पिन गेंदबाज है। वहीं नंबर ग्यारह पर जसप्रीत बुमराह आएंगे जो कि एमआई के तेज गेंदबाज है। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में एमआई के तरफ से नुवन थुसारा आएंगे।